आज के मनन के लिए जो शास्त्र वाक्य चुना गया है मरकुस इसका 13वां अध्याय वचन 32 से 37 तक हम पढ़ेंगे। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ख के बाग देने के समय या घोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रार्थना करो। पवित्र 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 अति संचयजनक देवता आकाश में प्रतिष्ठित निर्माण करते स्वर्गीय प्रभु, आम्ही तुझी मला धन्यवाद देतो। तुझी स्तुती तुझे गौरव करतो यासाठी प्रभु, तू आमचा देव आमचा बाप आमचा परमेश्वर आहेस, तू आमच्या जीवनाची भाकर जीवनाचा विजय जीवनाचा मार्ग आहेस प्रभु। आज आम्ही जिवंताच्या तुम्हाला जिवंत आहोत आणि खरं करता बाबा आमच्या जीवनात विशेष संदेश दिलात की प्रभु आम्ही तुझ्या पवित्र मनामध्ये यावं आणि परमेश्वर त्या आम्ही गीत गावं प्रभु, तुला उंच करावं, तुझी आराधना करावी, तुला मान देणार द्यावं प्रभु। त्याद्वारे प्रभु तू आम्हाला मोठा आशीर्वाद दिला, विश्वास आणि परमेश्वर पित्या आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभु। या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकांना आपला परमेश्वर पित्या आम्ही तुझ्या हातात देतो, प्रत्येकाचं येण्याचं मार्ग प्रभु तू मोकळा केलास, आशीर्वादाच्या मोठ्या परमेश्वर पित्या वाट्यामध्ये प्रभु तू आम्हाला सहभागी केलास, आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभु पित्या। या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनाला उद्धव स्थानिक आम्ही अर्पण करतो, प्रत्येकाला मोठा आशीर्वाद देते प्रार्थना मित्र प्रभु करतो। जी प्रभु समस्या अडचण अडखळ परमेश्वर पित्या या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असेल प्रभेश मास्टरच्या नावामध्ये प्रभु ती दूर कर अशी प्रार्थना मित्र प्रभु करतो। परमेश्वर पित्या आम्हीच नसून तर परमेश्वर पित्या आमच्या मंडळीतील सर्व प्रभु जे तुझे लेख आहे ते तुझे विश्वास लोक आहे, आम्ही यांना तुझ्या हातात ठेवतो माझ्या देवा, प्रत्येकामध्ये सहाय्य कर प्रभु। मंडळीतील वरिष्ठ मंडळीतील तरुण मंडळीतील परमेश्वर पित्या मंडळीतील माता बहिणी परमेश्वर पित्या यांना प्रत्येकामध्ये हातात देतो माझ्या जेवा, प्रत्येकांना तो प्रभु समज बुद्धी दे आणि प्रत्येकाला आपल्या योग्य प्रभु ईश शेवट जवळ आलेला आहे आणि माझ्या देवा आमचं जीवन प्रभु तुझ्यामध्ये आहे, कारण बाबा शैतान व्याजणाऱ्या सिंहासारखा प्रभु आमच्या नादाला लागलेला आहे की आम्हाला प्रभु पापामध्ये घेण्यासाठी। पण प्रेमा पित्या तुझं वचन सांगते की प्रभु तू आमची काळजी आहे, तुमचा सहायक आहे, तुमचा मार्गदर्शक आहे, म्हणून आमच्या जीवनात तुझ्या हातात आहे। विशेष करून मंडळीचा कार्यक्रम परमेश्वर पित्या वाटत असताना विशेष करून दिवस तुझ्या हातात देतो परमेश्वर पित्या, लागणारे सर्व सामर्थ्य प्रभु त्यांच्या हातात देतो आणि बाबा मंडळीचा कार्यक्रम वाटत असताना आपल्या मनाने बुद्धीने नसून तर प्रभु तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने चालवण्यासाठी परमेश्वर पित्या सहाय्य करून त्यांचं परिवार तुझ्या हातात देतो, जे त्याच्या जवळ आहे जे त्याच्यापासून दूर आहेत परमेश्वर पित्या त्याच्या कुटुंबाला देखील आशीर्वाद घर अशा कामांना परत एकदा बाप्पा आणि तुझ्या आभार मानतो, सुंदर समय तो आम्हाला दिला प्रेमा पित्या आणि तुझे आभार मानत प्रभु। पुढील जे वचन आहे परमेश्वर पित्या आणि बोलणाऱ्या दासाला तुझ्या हातात देतो, स्वतःच्या मनाने स्वतःच्या बुद्धीने नसेल तर परमेश्वर पित्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने बोलण्यास सहाय्य कर आणि मदत कर आणि जीवात ते बाप्पा ते वचन प्रभू आमच्या हृदयामध्ये रुजावं आणि प्रभु ते आमच्या जीवनात कार्य करावं। आम्ही ऐकून न सोडून देता माझ्या देवा त्याला परमेश्वर पित्या आम्ही मननामध्ये घ्यावं, आमच्या जीवनामध्ये घ्यावं आणि आशीर्वाद परिपूर्ण व्हावं यासाठी पित्या तू आमच्या जीवनात सहाय्य कर प्रशांत तुझ्या हातात देतो माझ्या देवा, त्यांना सहाय्य कर। जिवंत पित्या पुढील पित्या तुझ्या हातात देतो परमेश्वर पित्या, भक्तीला आशीर्वाद आणि परिपूर्ण कर, लागणाऱ्या सर्व गोष्टी पूर्ण तू आम्हाला दे अशी प्रार्थना त्रिपदी कर मानधर्मा गौरव तुला देत ही प्रार्थना उठा परमेश्वर की स्नेहाच्या मूळ आणि कृतज्ञता प्राप्त म्हणून आहे। जो हमारे लिए आत्मिक मंदा लिखा है।
आइए हम इस वक्त दुआ करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मान महिमा गौरव आदर और सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए प्रभु जी, आपने मुझे चुना, ये वचन सुनाने के लिए प्रभु जी ने सो अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी आशीष मुझ पे रहने दीजिए प्रभु जी, जो कुछ मैं पवित्र शास्त्र से बोलने जा रहा हूँ, मेरे होठों को मेरे बुद्धि को स्पर्श कीजिए, केवल मैं नहीं प्रभु जी, मेरे ओर से आप बोले और लोगों को समझे और उसके मुताबिक चले, ऐसे मुझे दीजिए प्रभु जी। छोटी सी दुआ हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो प्रभु। प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ चुना गया है मरकुस की किताब, इसका 13वां अध्याय 32 से हम 37 तक हम देखेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को समझा रहा है, बता रहा है और बात कर रहा है। क्या कह रहा है? जागते रहो, जागते रहो। हम देखते हैं मरकुस की किताब इसका 13वां अध्याय इसका 35वां पद और 37वां पद हमें क्या कहता है। 35वां पद इस प्रकार से कहता है कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। और 37 पद इस प्रकार से कहता है, और जो मैं तुमसे कहता हूं वो सबसे कहता हूं, जागते रहो। यानी ये पैराग्राफ में हम देखते हैं कि बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा है, बता रहा है कि जागते रहो। ये बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा जोर ये दो शब्द पर दे रहा है, जागते रहो। क्या हम सोचते हैं कि ये शब्द क्यों प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को कह रहा है? ये शब्द हम किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी सोया हुआ है या वो गहरी नींद में सोया है, उसे जगाने के लिए, जागने के लिए, उठाने के लिए हम उसे कहते हैं जागते रहो, और उसे उठाते हैं और कहते हैं जागते रहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कह रहा है जागते रहो, क्योंकि ऑलरेडी वो शिष्य सोए हुए नहीं है, वो जगे हुए नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है कि जागते रहो। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उन्हें? वो तो ऑलरेडी जगे हुए हैं, वो परमेश्वर की बात को ध्यान देते हैं और परमेश्वर की बात सुन रहे हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है कि जागते रहो। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो हमारे जीवन में, कि जागते रहो। हम देखते हैं कि जागना यानी क्या है। साधारण रीति से हम देखते हैं और सोचते हैं जो व्यक्ति गहरी नींद में सोया है तो हम उसे जगाते हैं, है ना? जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हम रात में गहरी नींद में सोते हैं, हमारे घर में टीवी चालू होते हैं, हमारे पापा भाई लोग बहन लोग बात करते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता। हम एक गिर पड़े होते हैं, हमारी बॉडी पूरा रेस्ट होता है, हम मरे हुए मुर्दे के समान हम सोते रहते हैं, है ना? तो उस व्यक्ति को हम जगा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर ऑलरेडी जगे है, उस व्यक्ति को कहता है कि क्या कहते हैं, जागते रहो, है ना? जागते यानी क्या है? देखते हैं हम आत्मिक रूप में सोए हुए हैं, है ना? जब हम आत्मिक रूप में सोते हैं, आत्मिक रूप से यानी सोना यानी क्या है? आत्मिक रूप से सोना, हम देखते हैं कि ऑलरेडी हम बैठे हुए हैं, हमारे आंख चालू है, हमारे बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, जब हम थके हुए होते हैं, बैठे बैठे हमें नींद लगती है, कुछ कोई लोग
आप चालू करते हैं, सो जाते हैं, उसे कहते हैं कि आत्मिक नींद में सो जाना। और हम आत्मिक नींद का हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कि हमें पता है कि ये करना है, हम दम दम से हम क्या करते हैं, आलसी बनते होते जाते हैं, तो वो हम एक आत्मिक नींद में हम चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आत्मिक नींद क्या है, हमारे दिमाग में दो प्रकार के सोच रहती यानी नींद होती है, वो कौन से है, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड रहता है। जो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा दिमाग क्या होता है, 5% या 10% वो हमारा दिमाग काम करते रहता है, और सब कॉन्शियस जो माइंड होता है वो 90% 95% वो काम करते रहता है। जब सब कॉन्शियस में हम चले जाते हैं तो टोटली हम रेस्ट में होते हैं, टोटली गहरी नींद में होते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हम आत्मिक नींद में सोते रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जब मैं वर्कशॉप में था, जो हमारे कंपनी का वर्कशॉप होता है, वहां पर एक हेवी ट्रक का ड्राइवर मेरे पास आया और कहने लगा, साहब जी इस इंजन में अलग प्रकार की आवाज आ रही है और मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई, आप चलो और चेक करो। मैंने मेरा लैपटॉप लिया और डायग्नोसिस करके चेक किया और वहां पर इंजन फेल्यूर का सिग्नल बता रहा था, है ना। तो बहुत बार वो इंटीमेशन देता है, कम से कम 60 या 70 बार वो इंजन का लाइट जो ब्लिंक होते जा रहा है, लेकिन वो इंसान जो ड्राइवर है वो ध्यान नहीं दिया, वो वैसे ही चला रहा था। मैंने उसे बताया कि भाई यहाँ पर इतने बार सिग्नल दिया है, इतने बार इंटीमेशन दिया है, तू ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वो कहता है, साहब जी मैं नींद में गाड़ी चला रहा था। मैंने उसे पलट के यूं देखा कि क्या, हाँ सर मैं नींद में गाड़ी चला रहा हूं। कोई इसके ऊपर विश्वास कर सकता है कि ड्राइवर नींद में गाड़ी चला सकता है? तो मैंने कहा कि क्या बोल रहे हो, तो वो बोलता है, साहब सच में मैं नींद में गाड़ी चला रहा हूं। इसलिए गया था उस क्लस्टर के ऊपर, जो कांटे वगैरह होते हैं वो सिग्नल के ऊपर गया, ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं नींद में था। मैं बोला, तू नींद में रहता तो गाड़ी कैसी चलती है, गाड़ी तो चलाता था साहब, बोले लेकिन मैं नींद में था। मैं सोच में डूबा और मैं बोला, ये क्या बात कर रहा है। मैं बोला, अभी ये नींद में ही दिख रहा है। तो मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग बहुत गुस्से में आया था कि इस प्रकार से बात उसने किया। और उसके साथ जो दूसरा उसका सहकारी था वो भी कहता है, साहब हम नींद में 40 से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर हम गाड़ी चला लेते हैं। मुझे अचंभा लगा कि नींद में गाड़ी चलाना। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन मेरे वो मन में सवाल घूमते रहा कि नींद में गाड़ी कैसे चलाते। तो एक नजदीक का ड्राइवर आया, मैं उसे पूछा, भाई साहब सच में नींद में गाड़ी चलाते हो? तो वो बोलता है, कभी कभी मैं चला लेता हूं साहब। यकीन नहीं आएगा, क्या इस बात को आप सहमत है कि नींद में गाड़ी चलाते हैं? नहीं, लेकिन ये सच बात है प्रियो। जब हेवी ड्राइवर जो होता है, जो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, वो रात के टाइम भी निकल पड़ता है, क्योंकि रात के समय सुनसान राह होती है और भीड़ या ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है या सिग्नल वगैरह नहीं होता है। जो नेशनल हाईवे वगैरह लगता है तो वो अपने गियर में डाल के चलाते रहता है, वो उसका डेली रूटीन का काम होता है, उसको वो रोड वो वे उसे पता होता है, इसीलिए वो देखते देखते दिन लग जाती है, नींद लग जाती है, यानी उसके आंख बंद नहीं होते, उसके आंख सीधी रास्ते की ओर होते हैं, उसके हाथ स्टेयरिंग के ऊपर होते हैं, उसके पैर क्लच एक्सीलेटर वो वर्क करता है, लेकिन वो नींद में होता है। मैंने कहा, ऐसा कैसा? लेकिन प्रियो ये बात सच है, क्योंकि हम आत्मिक नींद में सोए हुए हैं। आत्मिक नींद यानी खुले आप करते ही सो जाना, यानी हमें सब सुनाई देता है, ये भाई क्या बात कर रहा है, ये भाई क्या बात कर रहा है, वो हमें सुने देता है, लेकिन हम वो नींद में होते हैं, हमें महसूस नहीं होता है।
तो मैंने खुद ये अनुभव किया है, किया हूं। मैंने 12-12 घंटे 15-15 घंटे जब मैं ड्राइविंग करता था तो एक टाइम में ऐसा हुआ कि मैं बहुत थक गया था, कंटिन्यू 2 दिन मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे बाजू में मेरा क्लिक मेरा दोस्त बैठा था और मैं गाड़ी चलाते चलाते रात के समय एकदम कॉन्स्टेंट माइंड में मैं चला रहा हूं, मेरे हाथ स्टेरिंग पे है, मेरे पैर वगैरह ब्रेक एक्सीलरेटर क्लच पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा दोस्त मुझे बात कर रहा है। मुझे पता नहीं कि साइड से जो रॉन्ग साइड से गाड़ी जा रही है बहुत नजदीक से क्रॉस हो रही थी, लेकिन वो बाजू वाला वो डर रहा था। मैं जो रोड के ऊपर जो व्हाइट वाले पट्टी होते हैं वो देखते हुए मैं मेरे वे में चल रहा था। मेरे को पता नहीं था कब मुझे नींद आ गई और वो डर के मारे मुझे उठाया, पहले चिल्लाया, आवाज दिया, मेरे को पता नहीं। जब मेरे हाथ को यूं मारा तो मैं जाग उठा तो वो बोला है, अरे क्या कर रहा है भाई, यहां से तो ट्रक जा रहा है, बहुत नजदीक से ले रहा है तू। मैं बोला कि मुझे नींद लग गई थी। वो अचंभव हुआ कि तुझे नींद लग गई थी। सचमुच प्रियो, मुझे नींद लग गई थी और मैं 20 से 25 मिनट वैसे ही गाड़ी चला रहा था। ये एक बार नहीं, मेरे लाइफ में 2 बार हुआ। यानी हम डेली रूटीन में वो चलाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन प्रियो इससे ही बहुत सारे हादसे रात में ही होते हैं। और जो हेवी ड्राइवर होकर जो रोड पे चलाते हैं उस टाइम में इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये अनुभव मैंने खुद लिया हूं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आत्मिक नींद में खो जाते हैं। उस वक्त मैं आत्मिक नींद में चल बैठा, यानी मैं सब कुछ मेरा माइंड मेरा दिमाग मेरे नजर वहां पर काम कर रहे थे लेकिन मैं सो गया था। पुणे के क्लाइंट में जब मैं वर्क कर रहा था, नाइट की शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, और वहां पर प्रोडक्शन लाइन होता है या असेंबली लाइन होता है, रात का समय रात के 2 या 3 बजे मैं क्वालिटी में था, तब मैं राउंड मार रहा था तो 2-3 वर्कर क्या कर रहे थे, नींद ले रहे थे। नींद किस प्रकार से ले रहे थे, वो तो प्रोडक्शन का जो लाइन होता है वो काम तो कर रहे थे लेकिन वो इस प्रकार से सो गए थे। मैंने उन्हें आवाज दिया, ए भाई सोया है क्या। उसे महसूस नहीं हुआ लेकिन वो मैं जब उससे जम से मारा तो वो जाग उठा, हाँ बोलिए सर। तो बोला क्या कर रहा है, सो गया क्या, हाँ सर सो गया था, लेकिन उसका जो काम था वो चालू ही था, यानी वो आत्मिक नींद में सोया था, है ना। तो बहुत बार हम इस प्रकार से आत्मिक नींद में सो जाते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहा है आत्मिक नींद में न जाओ, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो कि प्रभु का समय निकट आया है। हम आगे देखते हैं कि नींद में हम किस प्रकार से, अब आपको यकीन आएगा ये जो बात 2 बातें मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कहा है ये रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आप यकीन करोगे। आपको पता है कोई कुछ इंसान नींद में चलते हैं, इसके ऊपर आप एग्री हो, है ना। कैसे चलते होंगे, आंखें बंद करके चलते हैं या आंखें खुले होके चलते हैं, कभी कभी बंद भी होते हैं कभी कभी चालू होते हैं। मैं मेरे बच्ची का एग्जांपल देता हूं, प्रीसा दोपहर के टाइम में सोई हुई थी और दोपहर में अचानक उठ खड़े रही, मम्मी मम्मी बोल के वो किचन की ओर चले गए और मैंने कहा अरे तू भी इधर है मैं भी इधर हूं, वो ऐसा क्यों जाती। फिर वहां से आई पापा पापा बोल के बाहर चले गए, बोला मेरे नजदीक से चले गए, बोला ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उसको उठाया, अरे ये तो नींद में है बोल के और जाके मैंने सुलाया। मैक्सिमम करके 4 से 12 साल के उम्र के बच्चों को यह होता ही है, नींद में चलते हैं। दूसरा उदाहरण, नींद में बड़बड़ाते हैं। बहुत सारे लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, इस बात पे आप यकीन करते हैं? जी हाँ, यकीन करना चाहिए। पहले के जो 2 उदाहरण दिया था उसके ऊपर आपका यकीन नहीं था लेकिन ये 2 उदाहरण पे आपका यकीन है,
यानी हम आत्मिक रूप में सो जाते हैं, है ना, आत्मिक रूप में हम सो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कामों का बोझ, हमारे टेंशन, हमारे स्ट्रेस से हम रात में हमारे दिमाग में वही चलते रहता है और वही हम दोहराते रहते हैं और बड़बड़ाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हमें लगता है कि ये नींद में बात कर रहा है। वो एक प्रकार का स्ट्रेस होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में 90% वो काम करते रहता है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो 5-10% वो काम करता है। तो इस प्रकार को हम देखते हैं, लेकिन यहां पर बैठे हुए हर एक को देखते हैं कि हर एक इंसान आत्मिक नींद में सोया हुआ है, आत्मिक नींद में सोया हुआ है। इसीलिए जरूरत है कि जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि जागते रहो, कि वो ऑलरेडी वो जगे हुए हैं, फिर भी उन्हें कहता है कि जागते रहो, क्योंकि वो आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं वो कैसा चेक करें, कैसे मालूम करें? तो कुछ बातें हैं वो हम मालूम करेंगे कि हम आत्मिक नींद में सोए हुए हैं क्या नहीं, ये पता करेंगे। आत्मिक नींद, पहला है, पहला सवाल अपने आप को पूछे। मैं जितने बातें बोलता हूं वो अपने आप को पूछे और सवाल वो खुद ही जवाब दो, अपने दिल से जवाब दो, ये कर मैं यस है तो आप आत्मिक नींद में सोए हुए हैं। क्या आप पूरी रीति से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? पहला सवाल ये अपने आप को पूछो और परखो कि वाकई मैं आत्मिक रूप में सोया हुआ हूं या नहीं। क्या आप पूरी रीति से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? हमें पता है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमें पता है कि विश्वास क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है, ये बहुत सारे हम वचन वगैरह पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ डाउट होते हैं, कुछ बातें गुनगुनाते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह आएगा क्या, प्रभु मसीह कब आएगा, कौन सा दिन होगा, क्या ये घटना सही है क्या? तो प्रियो आपके दिल में ये जवाब गुनगुनाता है या सवाल आता है।